तीन तलाक बिल पेश होगा। देश की ये दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा ने विहिप जारी करते हुए अपने सदस्यों से कहा है कि आज सभी सदस्यों को राज्यसभा में पेश होना होगा। मालूम हो कि इससे पहले 16वीं लोकसभा में भी ट्रिपल तलाक बिल पास हो चुका था, लेकिन तब ये राज्यसभा में अटक गया था। फिर से आज राज्यसभा में इसको लेकर बहस जारी होगा। देश की ये केंद्र सरकार ने आज राज्यसभा में तीन तलाक बिल पेश किया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने सांसदों के लिए विहिप जारी किया है। विधेयक 25 जुलाई को लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। लोकसभा में बिल के पक्ष में 303 और विरोध में 82 मत पड़े थे। तब कांग्रेस, तृणमूल, सपा और डीएमके समेत अन्य पार्टियों ने बिल का विरोध करते हुए वोटिंग से पहले सदन से वॉकआउट किया था। इससे पहले 16वीं लोकसभा में भी ट्रिपल तलाक बिल पास हो चुका था, लेकिन तब ये राज्यसभा में अटक गया था। राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं है, साथ ही सहयोगी दल जदयू ने भी इस बिल का विरोध किया है। यही कारण है कि भाजपा ने सभी सदस्यों का राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। मोदी सरकार ने इससे पहले बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन से पिछले सप्ताह सूचना का अधिकार विधेयक राज्यसभा में पारित कराया था। तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पास कराने को लेकर भी भाजपा को इन दलों से समर्थन की फिर से उम्मीद है। इस बिल में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाते हुए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान शामिल है। अब देखना होगा कि क्या मोदी सरकार तीन तलाक बिल राज्यसभा में पास करवा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।